हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये हम लोग को कब लगता है? जब विंटर में अगर हम लोग देखेंगे तो एयर की जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है, तो रूम में अपने को चाहिए हीटिंग और अपने को ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए क्योंकि एयर काफी ड्राई होता है, तो वहां पे चाहिए हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कैसे दिखता है अपने को, आप मेरे पीछे वो डायग्राम देख सकते हो, जहां पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइन इंक्लाइंड है 1 to 2, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। वर्टिकल लाइन आप जो देख सकते हो वो ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है इसका मतलब वहां पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अपने को यहाँ पे दो काम करना है, एयर को हीट भी करना है और उसको ह्यूमिडिफाई भी करना है। और उसके लिए सिंपल एग्जाम्पल कैसा है कि आप फ्लोइंग एयर में आप हाई टेम्परेचर वाटर स्प्रे कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, एयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसकी मॉइस्चर कंटेंट यानी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, जो विंटर में हमारे को लगता है।